गरीब के इलाज की हमने चिंता की है। मैं हैरान हूं कि आयुष्मान भारत योजना में मोदी की चिट्ठी को लेकर के लोग परेशान हैं। एक प्रकार से चिट्ठी लिखता है देश का प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेता है, बहुत बड़ा कमिटमेंट देता है और सामान्य मानवी को विश्वास दे देता है कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। और आप सचमुच में सदन को खुशी होनी चाहिए, इस देश के गरीब जो गरीबी के कारण मौत का इंतजार करते थे लेकिन अस्पताल की राह जाना पसंद नहीं करते, हिम्मत नहीं करते थे और वो सामान्य जड़ी बूटी लेकर के गुजारा कर लेते थे, गंभीर से गंभीर बीमारी में वो दिन काटते थे। परिवार के लोगों की भी स्थिति ऐसी होती थी कि हम इनके लिए क्या करें। दो दो तीन तीन चार चार साल से गंभीर बीमारी से पड़े हुए लोग अभी तो 100 दिन से भी कुछ ज्यादा दिन हुए हैं इस आयुष्मान भारत योजना को। अब तक करीब करीब 11 लाख गरीबों ने उसका ऑलरेडी फायदा उठाया है और गंभीर प्रकार की बीमारियों में लाभ मिला है और प्रतिदिन 15,000 से ज्यादा गरीब इस आयुष्मान भारत योजना के तहत फायदा उठा रहे हैं। ये हम सबका दायित्व है। मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री राहत कोष से हमारे सभी एमपी चिट्ठी लिखते हैं कि भाई हमारे इलाके में कैंसर की बीमारी है, फलानी बीमारी है, प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसे दो। और प्रधानमंत्री राहत कोष से हम इस काम को लगातार करते रहते, मेरे पहले के प्रधानमंत्रियों ने भी किया है। लेकिन इस आयुष्मान भारत के बाद आज किसी एमपी को इस प्रकार की चिट्ठी लिखने की नौबत नहीं आ रही है। उसको गोल्ड कार्ड मिल गया, उसका काम तुरंत हो जाता है। प्रधानमंत्री राहत कोष से तो कुछ सीमा तक पैसे दिए जाते थे, इसमें पूरा का पूरा खर्चा दिया जा रहा है। हर एमपी प्रधानमंत्री राहत कोष से मिलने वाले पैसों के संबंध में हमेशा मुझे मिलते थे, संतोष व्यक्त करते थे कि मेरे इलाके में इतने लोगों का फायदा हो गया साहब, पहले सप्ताह में हो गया, तीसरे सप्ताह में हो गया, सबको अपना। और मैं उनको भी चिट्ठी लिखता हूं, राहत प्रधानमंत्री राहत कोष में से जिनको पैसा मिलता है मैं चिट्ठी लिखता हूं कि पक्का होना चाहिए कि हां सचमुच में वो बीमार था नहीं था, और चिट्ठी लिखता हूं। मैं हम जब गुजरात में थे तो हमने एक प्रयोग किया था, सर्किट हाउस में लोग रहते थे, नेता लोग हैं तो फिर कंसेशन थे, उनको मिल जाता है सर्किट हाउस में। तो हमारे एक सर्किट हाउस के मैनेजर थे, जितने लोग रहते थे उनको फिर चिट्ठी लिखते थे कि आप और आपकी पत्नी दोनों फलानी तारीख को आए थे, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। साफ स्थिति ऐसी होगी कि लोग आना ही बंद कर दिए। मैं चिट्ठी लिखता हूं उन प्रधानमंत्री कि आपको इस बीमारी के नाते मैंने इतना पैसा भेजा है, आपका स्वास्थ्य ठीक रहा होगा, इसके कारण कहीं पर भी, और उसको फिर आधार से भी जोड़ दिया, एक नया पैसा का लीकेज नहीं काम। लेकिन आयुष्मान भारत से सभी एमपी को मैं आग्रह करता हूं, आप चुनाव में जा रहे हैं, जितने गरीबों को आपके क्षेत्र में आयुष्मान भारत का लाभ दिला सकते दिलाइए। मैं स्वस्थ स्पर्धा के लिए निमंत्रित करता हूं आपको, गरीबों का भला होगा। चुनाव तो आएंगे तो जाएंगे भैया, अभी 2-3 महीने हैं, कर लो कुछ काम।